नमस्कार, मैं मनीष कुमार मंडल कंपनी बाग से बोल रहे हैं। कभी कभी बुरी परिस्थिति में भी इंसान को मुस्कुराना चाहिए। आउट सिचुएशन में ही जो मुस्कुराए वही इंसान सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। जैसे भागलपुर में बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करने के लिए आते हैं, जैसे रेलवे ड्राइवर का, लोको पायलट हो गया, या टेक्नीशियन पद के लिए। तो उसमें से बहुत से लड़के जैसे मनोरमा आईटीआई में नाम लिखाते हैं, उसमें पढ़ते हैं, तो उस स्टूडेंट को एग्जाम देना पड़ता है, बहुत सारा कंपटीशन का तैयारी भी करना पड़ता है। तो उसमें कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो वह लोको पायलट या टेक्नीशियन का एग्जाम निकाल लेता है और पड़ोसी वाले को क्या पता चलता है, अरे फलना का बेटा, विकास का लड़का है, वो रेलवे का पहला एग्जाम निकाल लिया है। तो बगल वाले को क्या होता है, तकलीफ होता है। तो वो बगल वाला कहाँ जाता है, वैष्णो देवी जाएगा पूजा करने के लिए, हे भगवान उसका अगला एग्जाम ना निकले। देखिए, जब इंसान जीतता है तो उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, ये फलना का बेटा है, ये मौसी का बेटा था, ये फुआ का लड़का है। वही इंसान अगर हार जाता है तब उसको कोई पूछता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीतने वाले को वो इंसान चाहता है। क्यों चाहता है? लेकिन चाहने का वजह यह है कि उसके पास बहुत सारे, जैसे जॉब लगेगा तो उसमें हर मंथ पैसा आता है, पैसा आता है, सब पैसे वाले को हर इंसान चाहता है। तो हम, वो लड़का क्या बोलता है या पड़ोसी क्या बोलता है, एक भागलपुर में मनाली चौक है, ये फलना बेटा वहां घूमता होगा लड़की लेके। हाँ, ऐसा भी होता है, इसीलिए उसका एग्जाम नहीं निकाला। जब आप हारे तब आप बिल्कुल सिलेंडर कर दीजिए और शांत रहिए। जब आप जीतने के कगार पे आए तब आप अपना उस तकलीफ को और उस जो आपने बहुत सारे संघर्ष किया है तब उसको बताइए, तब समझ में आएगा कि नहीं ऐसे थोड़ो रेलवे ड्राइवर या टेक्नीशियन पद पे कोई भी चला जाता है। उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, रात दिन पढ़ना पड़ता है, कितना रिश्तेदार को छोड़ना पड़ता है, कितना भोज को अटेंड नहीं कर पाता है, दोस्तों को भी छोड़ना पड़ जाता है, तभी वो रेलवे ड्राइवर या टेक्नीशियन बनता है। इंसान अगर हारता है तो उसे कोई पूछता नहीं है, जब वही इंसान जब जीत जाता है तब वो देखिए पूछने के लिए बहुत सारे आ जाते हैं। क्यों आते हैं, अरे हम जानते थे ये फलना बेटा तो ये रेल ड्राइवर ही बनेगा। ओ, जब हारा था तो उस टाइम को बोलता नहीं था, जब जीत के आया, जब हम एग्जाम निकाल लिया, एक एग्जाम निकाला, उसके बाद दूसरा एग्जाम में ट्रेड पूछा जाता है, ट्रेड का भी एग्जाम निकाला, फिर एक साइको होता है, साइको का भी वो एग्जाम निकाल लिया, तब वो लास्ट में ज्वाइनिंग आता है। ज्वाइनिंग जब आता है तो उसके पीछे बहुत सारे आसपास के पड़ोसी लोग आते हैं, तो ड्राइवर बन गया, बहुत उत्साहित करते हैं। उत्साहित करना तो वाजिब चीज ही है, जब जिस टाइम में हारता है तो उस टाइम में भी प्रोत्साहन इंसान को करना चाहिए, ताकि वो अच्छे वर्कर या अच्छे इंसान बन सके। हमारे मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के एक राकेश सर हैं, जो कि बहुत ही हसमुख और स्मार्ट और उसमें हृदय दयालुपन भी है, उनका नाम है राकेश सर। तो राकेश सर तो बहुत अच्छे हैं ही, वो सब स्टूडेंट को भी मदद करते हैं और स्टाफ को भी मदद करते हैं। यही कहेंगे कि जब आप हारिए आप बिल्कुल सिलेंडर कर दिए, शांत रहिए और फिर से मेहनत कीजिए, तभी आगे और को जो आप एम लेके चले हैं, रेलवे हो, मेट्रो हो, ड्राइवर हो या टेक्नीशियन हो या सेल हो या भेल हो या इंडियन ऑयल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं फिर से तैयारी करके। ठीक है, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।